देयर फोक्स, वेलकम टू योर चैनल राइडर स्टोरी। और आज हमारे साथ है सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एडिशन 2023 के अंदर क्या कुछ लेटेस्ट फीचर्स मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, क्या क्या नया अपडेट मिला है इस गाड़ी को, कितना माइलेज देता है, कितना कलर वेरियंट के साथ आता है, सभी के बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कलर ऑप्शन आप देख रहे हो इसे कहते हैं पार्ल मेट शेडो ग्रीन, जो कि 2023 के अंदर लेटेस्ट आया है। स्टैंडर्ड एंड राइड कनेक्ट एडिशन के अंदर ये कलर आता है, ईएक्स मॉडल के अंदर आपको ये कलर नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में आप देख सकते हो कि आपको एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है विथ ऑफकोर्स एलॉय व्हील भी मिलता है। काफी कॉम्पैक्ट एंड छोटा सा डिस्क प्लेट दिया गया है जैसे कि स्कूटर में होता है, लेकिन इसके अंदर भी होल्स माउंटेड है बेटर हीट डिसिपेशन के लिए। और यहाँ पे जो एलॉय व्हील मिलता है वो ब्लैक्ड आउट है। जो टायर आपको मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो MRF का टायर मिलता है विथ 90x90 12 सेक्शन का, मतलब 12 इंच का व्हील मिलता है सामने। और यहाँ पे आप टायर का पैटर्न देख सकते हो। मडगार्ड के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है दोनों तरफ ही। बॉडी कलर में ही आपको मडगार्ड मिलने वाला है। और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का दिया गया है। ऊपर में आपको LED का हेडलैम्प मिलता है विद LED DRLs। थोड़ी देर में मैं आपको जला के दिखाऊंगा। यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है और दोनों तरफ पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ एक डिजाइन एलिमेंट का एड ऑन किया गया है। और नंबर प्लेट होल्डर का जगह है ऊपर। क्लियर लेंस के साथ आपको बड़ा सा विंड वाइजर मिल जाता है जो कि एक यूनिक लुक इस स्कूटर को प्रोवाइड कर रहा है। हम थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है बहुत ही ब्रॉड शेप का एक लुक दिया गया है। तो ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस बनता है तो बिल्कुल एक मैक्सी स्कूटर की तरह ही बनता है इस गाड़ी का। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन मैट ग्रीन के साथ पियानो ग्लॉजी ब्लैक फिनिशिंग दिया गया है और कंसोल के साइड में डार्क बेज कलर का एक फिनिशिंग दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी माउंटेड MID डिस्प्ले इस स्कूटी के साथ आता है जो कि एक अगेन यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है इस गाड़ी को। सो दूसरे फाइजर वाला मोटरसाइकिल्स की तरह इसका हैंडल बार टोटली अलग है। हैंडल बार भी डुअल टोन कलर फिनिशिंग के साथ आता है, डार्क बेज एंड मेट ग्रीन के साथ। और हैंडल बार के ऊपर भी सुजुकी का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाई बीम लो बीम का स्विच है ये, नीचे आपका इंडिकेटर का स्विच आता है यहाँ पे, और उसके नीचे हॉर्न का स्विच दिया गया है। राइट हैंडल बार के ऊपर इंजिन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। और राइट साइड में आपको एक बड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है, आप 1 लीटर का पानी का बोतल भी इसमें रख सकते हो, इतना जगह तो है इसके अंदर। लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर छोटा मोटा सामान जैसे कि आपका मोबाइल फोन एटसेट्रा आप रख सकते हो। और एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। एक बार मैं इग्निशन को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। तो ये देखिए इसके अंदर ब्लू लाइट आता है जो अंधेरे में बहुत ही मददगार होने वाला है, अगर आपको मोबाइल फोन चार्ज करना हो या किसी सामान को रखना हो, अगर बिल्कुल अंधेरा है तो थोड़ा बहुत रोशनी ये प्रोवाइड कर देगा। फिलहाल गाड़ी के चाबी को कर लेते हैं ऑफ। और अगर बात करें इसके सीटिंग के बारे में तो यहाँ पे 72 mm का सीट हाइट मिल जाता है, बोथ राइडर एंड पिलियन के लिए अच्छा खासा जगह दिया गया है। सीटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो डिसेंट अमाउंट ऑफ कुशनिंग आपको इस सीट के साथ मिल जाएगा, आप लॉन्ग टूर भी आसानी से इसके साथ कर सकते हो। पीछे पियानो ब्लैक ग्लॉजी फिनिशिंग के साथ आपको मेटल का हैंडल बार मिल जाता है जो अगेन एक प्रीमियमनेस ऐड करता है इस गाड़ी को। गाड़ी के साइड रियर काउल में बर्गमन का 3D एम्ब्लेम क्रोम फिनिशिंग के साथ ब्रांडिंग किया गया है। नीचे स्ट्रीट और राइड कनेक्ट एडिशन आपको स्टिकर में ब्रांडिंग मिल जाएगा। और उसके नीचे ACP मतलब सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी का ब्रांडिंग आप देख सकते हो। इसके मदद से क्या होता है कि गाड़ी का ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम फुटरेस्ट पिलियन के लिए जिसका क्वालिटी भी अच्छा है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कार्गो वेट है वो 110 kg है, तो साइज के हिसाब से आपको एक लाइट वेट मशीन यहाँ पे मिल जाता है। और इंजन के साइड में आ जाते हैं अभी तो आप देख सकते हो सुजुकी का ब्रांडिंग किया हुआ है इंजन के ऊपर। और यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है, एक किक स्टार्टर लीवर आपको मिल जाता है जो आप फ्लेक्सिबल तरीके से खोल सकते हो और किक स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डबल स्टैंड मिल जाता है इस गाड़ी के साथ, और एक साइड स्टैंड भी मिल जाएगा विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, मतलब जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व SOHC एयर कूल्ड इंजन
जिसका मैक्स पावर आउटपुट है 8.7 पीएस एट 6750 आरपीएम एंड इसका मैक्स टॉर्क आउटपुट है 10 न्यूटन मीटर एट 5500 आरपीएम। इस गाड़ी में आपको सीवीटी यानी कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन टाइप का गियरबॉक्स देखने को मिलता है, जैसे कि दूसरे स्कूटर में भी आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी के पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है और सामने की तरह पीछे का टायर भी ट्यूबलेस है, लेकिन पीछे का जो अलॉय व्हील साइज है वो 10 इंच का है, लेकिन जो टायर साइज है वो आपको 100x90 सेक्शन का मिलता है। यहाँ पे MRF का ही टायर दिया गया है और टायर पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे रोड ग्रिप के हिसाब से ठीक ठाक है। पीछे के साइड आपको रियर मडगार्ड मिल जाता है और उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है यहाँ पे, और उसके ऊपर नंबर प्लेट होल्डर का जगह है और आप देख सकते हो उसके ऊपर सुजुकी का ब्रांडिंग किया गया है। पीछे आपको LED में यहाँ पे टेल लाइट मिलता है, लेकिन जो साइड इंडिकेटर्स है वो स्टील हेलोजन बल्ब में मिलता है और यहाँ पे एक साइलेंसर पाइप दिया गया है जिसके ऊपर अगेन डुअल टोन फिनिशिंग यूज किया गया है। इस साइड आप देख सकते हो पियानो ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है और हीट शील्ड जो पीछे की तरफ है वो मैट ब्लैक में दिया गया है। सो एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर जो डिजाइन एलिमेंट है तो अगेन उसके जरिए एक प्रीमियमनेस उभर के आ रहा है। रियर में स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन मिलता है और सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। राइडर सीट के सामने आपको एक काफी ज्यादा स्पेशियस जगह मिल जाता है, ये देखिए इसका फ्लैट बोर्ड के ऊपर और यहाँ पे भी। आपको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से दिखा देता हूँ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैटर्न दिया गया है, तो लॉन्ग स्ट्रेच पे आप जब राइड करोगे इसे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच करने का ऑप्शन मिल जाता है अपने पैरों को, तो आपको थकावट महसूस ना हो इसलिए ये डिज़ाइन दिया गया है सुजुकी की तरफ से। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बैठ के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल पोजिशन में तो आप इस तरह से बैठोगे, आपको पैर फ्लैट बोर्ड में ही रखना है, लेकिन आप ऐसे भी राइड कर सकते हो इस गाड़ी को, तो इसका एक अलग सा ही मजा मिलेगा आपको। जब आप लॉन्ग राइड करोगे तो आप डेफिनेटली एक स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस उठा सकते हो इस गाड़ी के साथ। इसके की को थोड़ा सा मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए टिपिकल सुजुकी स्टाइल की मिल जाता है, जैसे कि सुजुकी के दूसरे गाड़ी के साथ आता है वैसे ही की मिल जाता है। उसके ऊपर सुजुकी का लोगो आप देख सकते हो। चाबी को फिर से लगा लेते हैं की स्लॉट के अंदर, और राइट में तो टर्न करने से गाड़ी स्टार्ट होता है, लेफ्ट में अगर इस तरह से टर्न करें तो अंडर सीट स्पेस ओपन हो जाता है, तो आप सीट को खोल सकते हो और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा काफी अच्छा खासा स्पेसियस बूट मिल जाता है जिसमें आपका एक फुल साइज हेलमेट भी आ सकता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलता है, पहले तो आप देख सकते हो ये यूजर मैनुअल है, सुजुकी के यूजर मैनुअल जो आता है गाड़ी के साथ। यहाँ पे टूल किट दिया गया है और ये है मेडिकिट सुजुकी की तरफ से। इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 21.5 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे है फ्यूल फिलिंग कैप जिसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.5 लीटर्स। तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, जब भी आप फ्यूल अप कराओगे तो आपको सीट खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो E20 का बैजिंग दिया गया है, मतलब ये गाड़ी अब E20 कंप्लायंट है, मतलब जो नया पेट्रोल आने वाला है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिक्सचर के साथ उससे ये गाड़ी चल सकता है। अब गाड़ी के चाबी को करते हैं फिर से एक बार ऑन, और यहाँ पे इसका MID डिस्प्ले का इनिशियल सीक्वेंस कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और आप देखोगे तो इसका सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड किया गया है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए क्लॉक मिलता है, यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है आपको, यहाँ पे ट्रिप मीटर मिलता है, ट्रिप ऑन ट्रिप टू ओडोमीटर मिलता है, और इस दोनों बटन के मदद से सेट एंड मोड आप इस इंफॉर्मेशन को चेंज करोगे। मोड बटन को प्रेस करने के पर आपको पेयरिंग मोड पे डिस्प्ले चला गया क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है और सेट पे आप देख सकते हो मल्टीपल फंक्शंस जैसे कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रिप वन, एवरेज किलोमीटर पर लीटर जो है वो दिखा देता है। और इस गाड़ी में आपको जो हेडलाइट मिलता है वो टोटली LED सेटअप के साथ आता है, और यहाँ पे LED DRLs दोनों तरफ आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जो देखने में काफ़ी शानदार एक लुक आ रहा है इस गाड़ी को फ्रंट से। जो हेडलैम्प है वो टोटली तीन पार्ट में डिवाइड है, हाई बीम लो बीम उसके अंदर ही एम्बेडेड किया गया है। पीछे के सेक्शन में आ जाते हैं तो आप देख सकते हो कि LED में टेल लैम्प दिया गया है, और इसका एक बार इंडिकेटर मैं जला के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हेलोजन बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ ही। आप चाहो तो आफ्टरमार्केट LED भी उसमें लगवा सकते हो बाद में। LED हेडलैम्प के हिसाब से अच्छा खासा इल्यूमिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्लियर विजिबिलिटी इसके साथ आपको मिल जाएगा।
गाड़ी में आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है लीप शेप में, जिसका विजिबिलिटी अच्छा खासा है। पीछे डिसेंट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी आपको मिल जाता है आसानी से। चलो आप गाड़ी को कर लेते हैं ऑन और सुनाते हैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। टिपिकल सुजुकी स्टाइल का स्टार्टिंग सिस्टम रहने वाला है, क्लच दबा के फिर से स्टार्ट मारना होगा, तब जाके देखो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट रहने पर आप मिरर व्यू मिरर का विजिबिलिटी देख सकते हो, बिल्कुल भी आइडल है, मतलब वाइब्रेशन ना के बराबर है इस गाड़ी के अंदर। बागमन स्ट्रीट राइट कनेक्ट एडिशन का कोलकाता वेस्ट बंगाल में कीमत है एक्स शोरूम 99,961 रुपीज। इसका स्टैंडर्ड एडिशन का कीमत है 95,963 रुपीज एंड EX वेरियंट का कीमत है 1,16,161 रुपीज। All prices are ex-showroom prices that I have mentioned. अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो इस गाड़ी के साथ आपको नॉर्मल सिटी कंडीशन में 50 to 55 kmpl का माइलेज आसानी से मिल सकता है। ज्यादातर वो डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल एंड रोड कंडीशन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट के बारे में। तो अगर आप एक 125cc कैटेगरी के अंदर मैक्सी स्टाइल स्कूटर ढूंढ रहे हो जो आपको अच्छा खासा फ्यूल इकोनॉमी रिटर्न कर सके और जो आपके बजट के अंदर ही हो, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से एक अच्छा खासा स्पेसियस गाड़ी हो, वो बूट हो या चाहे फ्रंट स्पेस हो, जिसमें सारा का सारा नेसेसरी स्मार्ट फीचर भी आपको मिल सके, ओवरऑल एक यूनिक स्टाइल आपको मिले, तो डेफिनेटली आप सुजुकी बागमन स्ट्रीट 125 के लिए जा सकते हो। क्योंकि 125cc सेगमेंट में एक ओनली ऑप्शन है इंडियन मार्केट के अंदर अभी, जो आपको डेफिनेटली एक मैक्सी स्कूटर का फील दे देगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को एक लाइक दे देना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।